बेंगलोर ने दिल्ली को दिया 190 रन का लक्ष्य। कार्तिक 66 रन बनाकर नाबाद रहे। आईपीएल 2022 के 27वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर बेंगलोर के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। दिनेश कार्तिक ने एक बार फिर से शानदार और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। उन्होंने मैच 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। कार्तिक ने मुस्तफिजुर के आखिरी ओवर में 4 चौके और 2 छक्के लगाए और कुल 28 रन बटोरे। दिनेश कार्तिक ने अपनी इस अर्धशतकीय पारी में 5 चौके और 5 छक्के लगाए। दिनेश कार्तिक इस दौरान 34 गेंदों में 66 रन बनाकर नाबाद रहे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।